हमारे पड़ोसी बोलने लगे भी इसको टीका लगा दो, जहर का टीका लगा दो, वो इतना तकलीफ में है, कोई इसको हाथ नहीं लगाता था। एनजीओ पर डिपेंड ना रहे, जी भाई साहब जीते जागते उस बात का सबूत है। हम बाहर बैठे थे गली में और ये हमारे पास आ गया तो हमने देखा इसमें जख्म बहुत बड़ा था, इसने कई कुत्तों ने इसके साथ झगड़ा किया, इसके दांत लग गए कुत्तों के और बहुत तकलीफ में था बहुत है। इससे हमारी और डब्बू की दोनों की मदद हो रही थी क्योंकि डब्बू को अभी शेल्टर चाहिए था जो इन भाई साहब ने डब्बू को दे दिया था और हमारे हॉस्पिटल में डब्बू की जगह नहीं थी और जिस कारण डब्बू हमारी सिरदर्दी का कारण नहीं बना। किसी ने हमको बोला भी ऐसे गौ सेवा परिवार को फ़ोन कर दो भी वो आके ठीक कर देंगे, फिर हमने उससे कंटेक्ट किया, वो उनकी गौ सेवा परिवार की टीम आई हमारे पास, उन्होंने देखा तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो अभी वो ट्रीटमेंट होते उसको 10 दिन हो गए, अभी बहुत बढ़िया अच्छा हो गया ये, अभी ठीक है ये। पहले मेरे को भी बहुत डर लगता था, अभी मेरे को काट ना ले ऐसे ना कर ले, हमारे पड़ोसी के लोग बोले भी ये काट लेगा आपको इंजेक्शन लगेंगे ऐसे होगा वैसा होगा, पर लेकिन नहीं, मेरे से पूरा गुण मिल गया। बहुत लोग कहते हैं अभी ये काट लेता है बीमारी लग जाती है कोई, अभी इसमें कीड़े लगे हुए हैं, सभी लोग डरते थे, इसलिए इसकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आया। फिर मैंने अपने इसको मदद के लिए आगे कदम बढ़ाए भी ये ठीक हो जाएगा, अभी ये पूरी तरह से ठीक है। जैसे इन भाई साहब ने डब्बू को शेल्टर दिया और हमने डब्बू को मेडिकल फैसिलिटी दी, जिससे हमारी दोनों की मदद से डब्बू को एक नई जिंदगी मिल गई है। अगर आप भी हमारे किसी भी लोकल एरिया से हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप हमसे दूर हैं तो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।